हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत मैं आज शाम से कर रही हूँ। सुबह से थोड़ी तबीयत ढीली थी और ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला। मतलब तबीयत ख़राब हो तो फिर मन नहीं करता। चलिए छोड़िए, इन सब बात को छोड़िए। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो बस शाम के खाने की तैयारी चल रही है और सुबह जब बच्चों को लंच देना होता है वो भी मेरे माइंड में चलता रहता है कि मैं क्या बनाऊँ और क्या बनाऊँ। मतलब मैं सोचती रहती हूँ, चश्मे पे कुछ लग गया, साफ़ कर देते हैं। तो बस खाने की तैयारी करते हैं शाम की, और सुबह भी देखते हैं मॉर्निंग के लंच में हम क्या बनाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं मम्मी के यहाँ से टिशू पेपर लेकर आई थी। मेरी अंजलि मासी हैं, उन्होंने मुझे दिए थे ये टिशू। और हम बनाएंगे आज भिंडी, वो भी आलू भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने भिंडी धो के रख दी थी, इसके बाद बाकी के काम निपटा लिए थे। और भिंडी को ना मैंने इस तरीके से बीच में कट करा था ताकि जो मसाला है वो भिंडी के, मतलब भिंडी में अच्छा सा फ्लेवर आए, मसाले भिंडी के अंदर चले जाए। तो इस तरीके से मैंने इसके तीन या दो, छोटी थी तो दो पीस करे थे, नहीं तो तीन पीस करे थे। छोटे छोटे आलू कट कर लिए थे, प्याज भी भून ली थी, और सॉरी प्याज कट कर ली थी। सबसे पहले तो मैंने एक मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें ना भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया 5 से 10 मिनट। जब भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना, गलने सी लगे, इन द सेंस जैसे भी आपको लगे, मतलब हो जाए, 5 मिनट ही करना है। इसके बाद आलू ले लिए थे, और भाई आलू की छींटे मेरे पे ऐसी लगी एक तो बहुत ज़्यादा। यार खाना बनाने में ना मेहनत बड़ी है, इसलिए जब भी, मेरा मानना यह है कि जब भी कोई लेडीज़ खाना बनाए ना, तो एटलीस्ट उसका खाना कैसा भी बनाओ तो ये अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि खाना अच्छा बना है, और कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए यार, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर हमें हमारी अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अपनी कमियों के साथ भी हमें जीना सीखना चाहिए। ये मैंने एक्सेप्ट की है बात। और यहाँ पे बातों बातों में मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। तो सबसे पहले मैंने आलू भी फ्राई कर लिए थे, फिर प्याज फ्राई करी थी, उसी ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करी थी। और बेसिक से मसाले डाल देते, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची, और उनको फ्राई कर लिया था मसालों के साथ। और इसको ना ढककर रख दिया था ताकि जो मसाले हैं वो सब्जी में मिक्सअप हो जाए। इसके बाद मैं वेजिटेबल रायता बनाऊँगी, खीरे और प्याज का बनाऊँगी, बस टेस्टी लगता है ये वाला रायता। और भिंडी के साथ ना मैं अलग अलग तरीके के रायते बनाती रहती हूँ, अच्छा भी लगता है। और कभी बूंदी का रायता बना लिया, कभी खीरे का, आलू का भी बना लो, अच्छा टेस्टी लगता है। बाय द वे आज तो मैंने खीरे और प्याज का बनाया है। इसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक और चाट मसाला डाला था, और काली मिर्च भी डाली थी थोड़ी सी, बस यही डालकर मैंने रायता बना लिया था। और क्या कहते हैं, अब हम बनाएंगे फुलके। जी हाँ, फुलके बनाएंगे, और गर्मा गर्म मैं सोच रही थी फुलके नहीं, मैंने पराठे बनाए थे। एक्चुअली जो सूखी सब्जी होती है ना उसके साथ पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना मैंने सही कहा ना, क्योंकि सूखी सब्जी ना रोटी नहीं अच्छी लगती, पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फटाफट मैंने पराठे बना के ना मैं कैस्ट्रोल में रख रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। एक बार जब खाना बन जाता है फिर मैं थोड़ी देर ना पंखे में बैठती हूँ, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत हो रही है, और गर्मी में मतलब मेरा ना एकदम खाना खाने का मन ही नहीं करता है जब गर्मी लगती है तो। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी तो फिर मैं भूल गई थी, इसको पक रही थी ये। फिर जब ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन जाए तो मैंने इसमें डाल दिया था अमचूर पाउडर, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे सर्व कर दिया था। सबसे पहले मैंने पीहू को खाना दिया था, तो बस पीहू को खाना दे दिया था, फिर हम सब ने भी खा लिया था। और ये रात का टाइम है, रात को मैंने फटाफट किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, फिर सारी बोतलें बच्चे इधर से उधर रख देते हैं वो सब रखी। और फिर मैंने क्या करा था, मैं कपड़े लेने गई थी बाहर, सारा काम निपटा कर, मतलब ये रात ख़त्म होती है, रात ख़त्म होती है, जी हाँ रात ख़त्म हो गई थी। सुबह मैं आप लोगों से मिली हूँ, नहा धो के साफ़ सफ़ाई मैंने पहले ही कर ली थी। और साफ़ सफ़ाई करने के बाद का ये दोपहर का व्लॉग है, यानी कि ये बुधवार का व्लॉग है, और इससे पहले मैंने मंगलवार का व्लॉग आप सबके साथ शेयर करा था। और 3-4 दिनों से आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, मतलब आधे अधूरे व्लॉग मैं शूट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा जितने भी व्लॉग शूट हुए हैं कोई नहीं, उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। जो सबसे पहले आपने देखा था जब मैंने ब्लैक वाला टॉप पहना हुआ था, वो मंगलवार का व्लॉग था। ये आज दोपहर से व्लॉग शुरू करा है, बुधवार का व्लॉग है, और बच्चों को आने का टाइम हो गया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। तो मैंने मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना लिए थे, इसको कई लोग नमकीन चावल बोलते हैं, खूब सारी सब्जियां डालकर। तो प्याज भुन गई थी, मैंने डाल दिए थे आलू, मटर
गाजर और डाल दी थी सोया चंक्स यानी कि सोया बीन, इन सबको थोड़ी देर फ्राई कर लिया था प्याज के साथ ही, फिर नमक मिर्च हल्दी डाल दिया था, डैट्स इट। इसके बाद जो भीगे हुए चावल थे वो बनाने हैं। अच्छा, जब बच्चे एकदम जब दोपहर का टाइम होता है ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, तो मैं इसी तरीके का बना देती हूँ। ये झटपट बन जाते हैं चावल और लगते भी बहुत टेस्टी है। ग्रीन वाली चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं और खूब सारा देसी घी डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं यार सच में, और टेस्टी भी बहुत बने थे। तो बस ये गर्मियों में रेड वाली गाजर तो आती नहीं है, तो ये जो ग्रीन वाली ऑरेंज वाली गाजर है बस ये वाली लाके मैं रख देती हूँ। तो बस चलिए यहाँ पे खा लीजिए आप लोग भी, वेजिटेबल बिरयानी भी बोल सकते हैं आप इसको। मैंने ना, हम लोग जब रेगुलर बेसिस पे लंबे वाले चावल नहीं खाते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे पौना चावल खाते हैं यानी कि लंबे से थोड़ा कम। और यहाँ पे मैंने दही सर्व कर दी थी, और पीयू के पापा तो हमेशा ही अचार से खाते हैं तो उनको मैंने अचार भी दे दिया था। तो आज आपको मैंने दो रेसिपी शेयर करी है यानी कि आलू भिंडी की सब्जी और मिक्स वेजिटेबल पुलाव। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद ये शाम का टाइम है और मुझे ना कहीं जाना था और मैं रेडी हो रही हूँ, और जहाँ मैं गई थी वहाँ की तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग ही शूट नहीं करा था। बट क्या था ना, मैं उसके आने के बाद इतनी थक गई थी और मेरे को ना कोल्ड हो गया था। आजकल पता नहीं क्या होता है, मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम शुरू होने लगी है, जैसे थोड़ी सी ही धूप में मैं बाहर चली जाऊँ तो दिक्कत हो जाती है, आके मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बुधवार को भी मैंने व्लॉग शूट अच्छे से नहीं करा था। सीधा मैं आपसे मिली हूँ वीरवार को यानी कि वीरवार के व्लॉग में, और आज मॉर्निंग 6 बजे से ही शुरुआत करी थी। सबसे पहले मंदिर की लाइट जोड़ के रही, भगवान जी को प्रार्थना करी, बाहर का दरवाज़ा खोल दिया था, फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। और आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, तो आलू बॉयल करे हुए रखे थे उसको मैंने मैश कर लिया था, फिर मैंने मसाला डाला। मसाले में मैंने इसमें बताती हूँ मैं आपको क्या क्या डालती हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक, धनिया पाउडर, हींग, और क्या डाला था मैंने, काली मिर्च का पाउडर भी मैं ज़रूर डालती हूँ, टेस्टी लगता है। इसके बाद मैंने मॉर्निंग में हमेशा से ही फ्रेश आटा गूंद के अपने बच्चों को पराठे देती हूँ। और कई लोग मेरी वीडियो में बोलते हैं जल्दी उठो, आप जल्दी नहीं उठते हो, आप अपने बच्चों को बासी खाना दे देते हो, तो यार मेरे आप लॉन्ग व्लॉग देख सकते हो मैं कितनी जल्दी उठती हूँ या नहीं उठती हूँ। अपने अपने टाइम पे लोग उठते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ लेकिन 6:15 हो ही जाते हैं, कई बार मेरी आँख 6 से भी पहले खुल जाती है क्योंकि एक हैबिट हो जाती है जब आप जल्दी उठते हो। तो चलिए ये बातें छोड़िए, लोगों का तो काम ही यही है दूसरों में कमी निकालना, और अपना काम है कि अपने आप को और इम्प्रूव करना। दिन ब दिन हमें अपने आप को और इम्प्रूव करना है, तो इसी कोशिश में हम लोग लग चुके हैं। इसके बाद मैंने बासी झाड़ू लगा दी थी जो मैं सुबह रोज़ ही लगाती हूँ, और बनाएंगे आज बच्चों के लिए आलू के पराठे। जब मेरे बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ते थे ना, मैं आपको सच बताऊँ, एनी टाइम रेगुलर बच्चों का एक ही नाश्ता होता था स्कूल के लिए भी, और वो रेगुलर बेसिस पे भी आलू के पराठे खाते थे। सच में जब बच्चे प्ले में थे ना, मैं जब से व्लॉग शूट करती ना तो आप ये कहते हैं कि बाप ने बच्चों को आलू का ही पराठा देते हो। तो आज काफ़ी दिनों में मैंने, आज कम से कम 10-15 दिन हो गए आलू के पराठे बनाए थे, और मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, सभी लोग कोई ना कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं, और मेरे से कई चीज़ें नहीं भी अच्छी बनती है, नहीं आती है मुझे, बट जो चीज़ आती है यार मैं करूँगी उसकी तारीफ़, क्योंकि मेरे को अपना पता है, कॉन्फिडेंस भी है मुझे कि अच्छी बनती है। तो मैं ना जो आटे की लोई होती है वो बहुत कम लेती हूँ, और जो पिट्ठी होती है ना आलू की वो ज़्यादा लेती हूँ, तो भरे भरे आलू के पराठे टेस्टी लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 पराठे बनाए हैं जो कि छोटे छोटे और पतले भी बनाए हैं ताकि बच्चों को स्कूल में हैवी ना लगे, और जब मैं एक पराठा देती हूँ तो बच्चों को लगता है कि मम्मी ने आज एक ही पराठा दिया था, तो बस इसीलिए मैं बच्चों को 2 पराठे देती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं लंच पैक। तो ये ना मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, आज आपके साथ लॉन्ग वीडियो भी शेयर करते हैं। तो आलू का पराठा रखा है मैंने, और आप लोगों को ना मेरे लंच बॉक्स वाली वीडियो इतनी पसंद आ रही है ना, और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे इस व्लॉग में मतलब देख रहे हैं अभी इस टाइम जो देख रहे हैं, सभी को थैंक यू दिल से। मतलब मैं यूट्यूब पे 2 सालों से हूँ और अब जाके मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली है, मतलब ये है कि मेहनत करते रहनी चाहिए इंसान को, कभी ना कभी मिलती है सक्सेस। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैंने 2 आलू के पराठे रखे थे, दही रखी थी, रोस्टेड पिस्ता रखे थे, पीहू को बहुत पसंद है, मेरी बेटी है ना उसको किसी भी तरीके का खाना दे दो, फ्रूट दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो उसको, मतलब आप
एट लास्ट खिचड़ी भी दे दोगे ना, वो भी खुश होकर खा लेती है। घिया तोरी मतलब वारी वारी जाऊँ, और टच वुड मेरी बेटी कभी खाए ना ये सब चीज़ें, सच में वो सब चीज़ें खा लेते। और मेरा बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने उसके लिए ये रखे हैं कुरकुरे, उसका सेम लंच बॉक्स था, बाकी मैंने उसके लिए रखे हैं ओरियो के बिस्किट और कुरकुरे, और बनाना रखे थे मैंने फ्रूट लंच ब्रेक के लिए। तो उसके बहुत नखरे हैं, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है यहाँ पे। वो पीयू तो रेडी हो गई थी नहा धोकर, बट रियांश अभी नहाने गया था, और आजकल रियांश को शौक चढ़ता है थोड़ा सा, वो बड़ा हो रहा है ना, तो उसको ये लगता है कि मम्मी मैं भी पीयू दीदी की तरह अपने आप नहाऊंगा, बट ये है ना कि थोड़ा सा छोटा ही है मेरे लिए। तो देखो दोनों बच्चे ही छोटे हैं, लेकिन मान लेती हूँ मैं कभी कभी बच्चों को, कोई नहीं गर्मी है अभी अपने आप नहा लेते हैं। टाइम भी बहुत होता है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, बच्चे 7:30 बजे तक रेडी भी हो जाते हैं। इसके बाद ये होता है मेरा हसीन पल, फ्रेश वाला, थकान से भरपूर वाला, आराम करने का वक्त। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा क्वालिटी टाइम होता है जब मैं अपना टाइम सिर्फ अपने लिए स्पेंड करती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोन अपडेट ले लिए थे कि क्या चल रहा है यूट्यूब पर, और अपनी कोई एक आधी वीडियो एडिट कर ली थी, तो बस यही मेरा थोड़ा सा टाइम होता है। इसके बाद ना फिर से मैं झट से लग जाती हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि जो काम है वो हमें मेरे को ऐसा लगता है मेरा घर हमेशा साफ़ रहे और फटाफट मेरी साफ़ सफाई हो जाए, चाहे उसके बाद मैं नहाऊँ या थोड़ी देर में नहाऊँ या नहीं नहाऊँ, तो मेरा ऐसा रहता है मेरे को लगता है। इसके बाद यार मैं साफ़ सफाई करने से पहले किचन में ही आ गई थी, क्योंकि मेरे को सोचा आज मैंने कि साफ़ सफाई करने से पहले मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, आंवला रीटा शिकाकाई का पाउडर, जो कि काफ़ी दिनों से मैंने लगाया भी नहीं था। तो बच्चे जब बस पानी वगैरह पी के मैं सीधा किचन में आई गई थी। इसके बाद मैं आई थी छत पर, सच में आप लोग मेरे छत का व्यू देखोगे ना देखते ही रहोगे, और मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था, ओ वाओ, आप लोगों का भी ऐसे देखकर लगा होगा कि हमारे यहाँ पे कितने पौधे लगे हुए हैं सच में। और कड़ी पत्ते का तो आजकल की जो मौसम चल रहा है ना बारिशों का, बारिशों के मौसम में पौधे बहुत सुंदर हो जाते हैं, आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ये देखिए मतलब अलग अलग, और ये मेरी कारस्तानी नहीं है, ये मेरे भैया हैं बड़े वाले, वो करते हैं मतलब वो पौधों से बहुत प्यार करते हैं, उनको ग्रीनरी बहुत पसंद है। और ये देखो नीचे वाला पौधा ना, इसकी बेल तो ऐसा लग रहा है पूरी छत पर ही ना फैल जाए, और आप देखो कितना आँखों में ठंडक पड़ गई इतना ग्रीनरी देख के सच में, और बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद आप लोग बताना, मैं खुद ही तारीफ़ करे जा रही हूँ अपनी टेरेस की, आप लोग बताना कितना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को भी। और पौधे किसको पसंद नहीं होते, सभी को पसंद होते हैं, मुझे ज़रूर बताना। बाय द वे मैं एलोवेरा लेने आई थी, जो कि मैंने ले लिया है। मैं ज़्यादातर ना फ्रेश एलोवेरा ही अपने बालों पर फेस पर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक फ्रेश है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया था, उसको पहले धो लिया था और इसको कट कर लिया था, जो इसके कांटे होते हैं ना वो निकाल लिए थे, और बीच में से कट करके मैंने इनको साइड में रख दिया था, क्योंकि मैं इसका पल्प निकालूंगी। और जब भी मैं आंवला रीटा शिकाकाई का पाउडर या हेयर पे कोई भी मास्क यूज़ करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि फ़्रेश चीज़ें यूज़ करूँ। तो आप लोग भी अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला कीजिए, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, निकालना बहुत आसान है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बस इसी तरीके से मैंने सारा जेल निकाल लिया था। इसके बाद सारा जेल निकल के मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था एक बाउल में, और ये एल्प्स गुडनेस का आंवला रीटा शिकाकाई का पाउडर है। आप ये मार्केट से भी ले सकते हो, पंसारी की दुकान से मिलता है, ये बालों की क्वालिटी को अच्छा करता है, इससे बाल लंबे होते हैं और थोड़े घने भी होते हैं ऐसा ये कहते हैं। और मुझे ये 2 चम्मच लेना था और बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो मैंने क्या करा ना पूरा ये बॉक्स में वापस डाल दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना, नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करना है। इसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में ग्रेट कर लिया था, ताकि इतना इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, जो एलोवेरा है वो ना गांठे सी बन जाती है उसकी मोटी मोटी, तो वो बालों में लगाने में बहुत दिक्कत होती है, फिर बालों में से निकलती भी नहीं है। सीधा मैं आपको बाथरूम में मिली हूँ, येस ये दिस इज़ माई बाथरूम, दिस इज़ या जो भी है ये मेरा बाथरूम है, बहुत सुंदर था सच में, बहुत सुंदर है। आप लोगों ने देखा है मैंने एक कॉमेंट अपनी वीडियो भी बनाई थी, या शॉर्ट वीडियो डालती हूँ मैं आपके साथ। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बालों को डिटेंगल करा था, सुलझा लिया था, इसके बाद मांग निकाल कर और मांग में अच्छे से इसको अप्लाई करना है, जैसे आप ऑयल लगाते हो मेहंदी लगाते हो उसी तरीके से इसको अप्लाई करना है, मैं तो बस इसी तरीके से कर लेती हूँ।
और अपने लिए ज़रूर यार टाइम निकालना चाहिए। कल से मैं आज ही अब ये जो आप मेरी कल की वीडियो है यानी कि वीरवार की और शुक्रवार की, तो ये शुक्रवार का जो व्लॉग है ना, मैंने कल भी सोचा था कि मैं अपने एक्चुअली मेरा बर्थडे आ रहा है यार, हाँ मेरा तो बर्थडे भी आ रहा है, मैंने सोचा था कि मैं अपने फेस का क्लीन अप करूँगी और मेरे पास एक किट भी आई हुई थी जो कि मेरे को स्मिथन से मिली थी, उसको मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कहाँ से मिली थी। तो बस इसी तरीके से सोच रही थी, लेकिन कल तो हुआ नहीं, शायद मैं कल करूँ क्योंकि अभी 10-11 तारीख हो गई है, 11 तारीख, हाँ जी, तो ये कल का व्लॉग है। तो कल क्या तारीख थी, कल थी मेरे ख्याल से 11, हाँ 11 ही थी, आज 12 है, 11 थी। तो फिर मेरा बर्थडे आ ही रहा है तो पहले अपना मेकओवर भी तो करना है, तो वो हम आज से ही करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो मेरे टॉप पे गिर गया था लगाते लगाते, तो बस मैं इसको क्लीन कर लूँगी अभी। मैंने टॉप चेंज ही कर लिया, मुझे गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते, बहुत गंदा सा हो गया था, 2-3 जगह गिर गया था। और अब मैं करूँगी अपने घर की सफाई, क्योंकि यार ये बेस्ट ऑप्शन है। आपने अपने कोई हेयर मास्क लगाया है या फेस पर लगाया है तो उसके साथ साथ काम भी हो जाता है और हेयर मास्क का टाइम भी हो जाता है। तो बस पहले अंदर वाला रूम क्लीन कर लिया था, फिर बीच वाला रूम क्लीन कर लिया था और लगा दी थी सारे घर में झाड़ू। और फिर पीयू के पापा कहीं बाहर गए हुए थे तो उन्होंने क्या कहते हैं वो दूध लेके आए थे, हमारा दूध ना 2-3 दिन का इकट्ठा ही आ जाता है, तो वही वो लेके आए थे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने टोकरी टांग दी थी, उसमें मैंने दूध ले लिया था। पहले तो मैं दो फ्रीज़र में लगा दूँगी और एक मैं जो आज मुझे बॉयल करना है वो मैं नीचे वाले फ्रिज में रखूँगी, नहीं तो फिर बर्फ़ जम जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने कल वाले कपड़े पहन लिए थे, कल वाले यहाँ, लेकिन वहाँ से तो मैं आधे घंटे में मैं आ गई थी तो ये गंदा नहीं हुआ था। और ऐसा होना भी चाहिए, आप एकदम अपने कपड़ों को वॉश कर लोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं तो एक बार के पहने हुए ज़रूर पहन लेती हूँ क्योंकि ठीक रहता है यार, मेरे को तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है यार, कपड़े भी तो अपनी जान को ही हो जाते हैं ना, अब हमें ही धोने होते हैं। तो यार बालों में मैंने ना सीरम लगा लिया था और मैं आपसे पता नहीं क्या क्या बातें करने लगती हूँ, वो बात नहीं बता रही जो हो रही है, वो पिछली पिछली बातें करने लग रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे सीरम लगा लिया था और फेस का भी अपना CTM कर लिया था जो रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, टोनर सीरम और मॉइस्चराइज़र। और यहाँ पे देखो मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सच में यार कोई भी आप चीज़ यूज़ करो ना, सच में बालों के लिए या हेयर के लिए तो इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो यार यहाँ पे बाल मेरे अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और आज भी मैं पीयू के पापा के साथ कहीं गई थी और इसलिए मैंने आगे व्लॉग शूट नहीं करा था, लेकिन हाँ बच्चों के आने से पहले मैं आ गई थी, तो बस वही तब का ही ये टाइम है। और आके मैंने जीन्स उतार दी थी, लोअर पहन लिया, आने लगी थी बच्चों के लिए दोपहर का लंच। आज मैंने सुबह बच्चों को आलू के पराठे दिए थे तो मैंने दोपहर में बना लिए थे आलू प्याज के पराठे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मैं कहीं गई थी तो मुझे टाइम नहीं था। और आज मैं बनाऊँगी छोले भटूरे। हाँ तुम तो थकते ही हो, मेरे साथ से जाना पड़ता है, दीदी की सेवा में लगे थे चावला में थोड़ी देर पे मैंने सोचा था थोड़ी रेस्ट मुझे बाजार लेकर। तो मेरा बर्थडे नहीं आ रहा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही, 2-3 ड्रेसेस लूँगा। मेरे बर्थडे में मुझे कौन बाजार ले जाता है, मेरे बर्थडे में तो मुझे कोई नहीं ले जाता। मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था ना जितना मेरे होगी पॉकेट मनी, तुम्हारी पॉकेट मनी मेरे से ज़्यादा है। क्यों भाई क्या दिया था तुमने गिफ्ट मुझे, पहले तुमने कप दिया था, तुम चाहे बोल सकते हो। देख लो गाइस 150 रुपए का कप, अरे 500 रुपए का था वो, गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती उसकी, डंडी में तेल बना हुआ था दिखा रहे, डंडी मुझसे पकड़ी नहीं जा रही, चाहे उसने मुझे एक दिन पढ़ाई दी थी और आज के बाद उसके बाद तो उसके बाद मैं चाय नहीं पीता। हां उसने नहीं पिलाई चाय तो पिलाई है भाई, ऐसे कप का क्या फायदा है। चलो मिलते हैं, मजा ज़्यादा हो। गाना भी वो लिपस्टिंग भी करनी पड़ती है, वो ये कर रही है, भी बहुत बड़ी बात है। हाँ प्यारी है छोटी, मैं कह रही हूँ रिया का है नहीं, रिया को भी आ गया, सारा दिन करवाते रहते हैं ना वो, देखते हैं एक साथ करवाते हैं और देखते हैं।
ओए होए कैश तो आगे आ जाए ना, वैसे भी दिख जाएगा आगे, मतलब इनके सामने। अरे कोई नहीं, बस खड़े रहने, इधर हो जा। हाँ छोटी इधर हो। भाई नहीं कर रहा था मैं, दुनिया से जा मेरे को बता, मेरे को अच्छा करने दे, उसको भी करने दे, अपना करने दे। ओहो लहरा तो देख ले, इसको भी ऐसे करने। तू भी आंच का मैं टकना देख रही तो प्लीज। अरे प्यूर रहने दे, जो वो कह रहा है वही करो। तू किसी को मत देख रहे अंश, अपना कर। तू मत देख उनको, करने दे, तू अपना कर। अरे बताओ ज्यादा रहे रियांश का सबसे बढ़िया है ना, देख ले मेरे रियांश को। उसके पैर में दर्द होगा, मैंने तो रहने दे। जी इंडिपेंडेंस डे आ ही रहा है तो सब बच्चों ने किया मिलकर डांस। हाँ जी आज मेरी फ्रेंड आई थी शिखा, तो उसी के लिए मैंने छोले भटूरे बनाए थे स्पेशल, क्योंकि जो भैया है ना उन्होंने हमें खिलाए थे, तो उन्होंने कहा भाभी मेरे को आपके हाथ के भी खाने हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत बार देख लिए हैं। तो बस आप लोगों को किसी को भी खाने हो ना तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, और जो मेरे घर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है मेरे हाथ के छोले भटूरे खाने। तो बस यहाँ पे मैंने छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर ली थी, और काफ़ी बार मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, उनकी वीडियोस भी शेयर की है आप लोगों के साथ। मैं उसका जो लिंक है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे बन के तैयार है, दोनों की मैंने प्लेट लगा दिया, भैया की और शिखा भाभी की। यहाँ पे फूले फूले भटूरे तैयार है और भैया के साथ में शेयर करती हूँ। तो भैया आप मेरे छोले भटूरे टेस्ट करके बताओ। नहीं नहीं शिखा की प्लेट भी रेडी है। नहीं मेरे सारे नहीं होते, ये देख तेरा। जब तू कहेगी शिखा कहेगी मेरे को ऐसा दिया है भाभी ने। नहीं अगर मैं अपने घर पे बनाती तो मेरे पति को भी मैं वही वाला देती। बहुत बढ़िया, एक बच्चे की बात हो रही है, बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, लेकिन जो बच्चे को ला रहा है। यहाँ पे तगड़ी कन्वर्सेशन शुरू हो गई है और बहुत ज्यादा तेरी नौकरी शादी से पहले एक छोटे लेवल डिबेट हो चुकी है यहाँ पे बहुत तगड़ी। फिर तेरी शादी हुई, पता नहीं एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक बच्चा आया, भैया आपने ये क्या कर दिया हमारा, ओ सच्ची में मैं तो यहाँ बैठा था। भैया ने इतने छोले भटूरे खाए हैं कि हमारा सोफा तोड़ दिया। लकड़ नीचे हुई क्या, हमने सोफा बेचा था ना उसके अंदर जैसे शोकर वाले। नहीं अपने पति से बात कर भाई, किडनी है लो भैया, ये कह रही किडनी बेच दो। आपको नहीं भैया ये गलत बात है, वो देखो कितने भटूरे खाए हैं, ये वेट करने गए हैं। 200 ग्राम कम हुआ था मेरा, देखो यार ये भटूरे खा खा के वेट कर रहे हैं। कितना भटूरे खिलाए, कितना खाना पड़ा है, 500। देखो देखो मेरा, देखो भटूरा बढ़ रहा है। अच्छा भाई मेरे भटूरे खाने से एक किलो वजन कम हुआ, बढ़ा दिया सॉरी। तो मेरे भटूरे खाने से एक किलो वजन बढ़ता है, बाहर के भटूरे खाने से 500 ग्राम कम हुआ था। अरे तू सुबह टट्टी वट्टी करेगी ना, मैं 200 ग्राम की टट्टी करूंगी। YouTube में कैसी कैसी होता है, नहीं जब तू सुबह फ्रेश होगी ना तेरा वजन एक्यूरेट आएगा। हाय भाई टट्टी वट्टी की बात मत करा करो भाई, गलत बात है, ये तो YouTube में डालने में मजा आएगा। भैया बताओ कब आ गए खाया पिया, फिर कहती है अरे यार ब्लॉग में फोटो कैसे ना भूल गई। अरे मैं तो ब्लॉग तो छोड़ दी, मेरी बताओ जब खाना आता है तो मैं कैसे करती हूं। मेरा तो खाना ठंडा करके रख देगी। अरे
अच्छी नहीं आई। रुको यार, ये तो बात है। मैं जैसे खाना आता ना, रुको प्लीज प्लीज मुझे वीडियो बनाने दो प्लीज। जब खाने का ऑर्डर देते हैं इतनी भूख लगती है कि ध्यान ही नहीं रहता वीडियो बनाने। आते ही कमाल हुआ, 15 मिनट में था खाने के बाद यार आते यार फोटो तक नहीं ली। ब्लॉग पे तो की बात है, क्या करें। सब लोग जाने बाद कई बार घर पे बना हुआ भी ऐसे होता है कि आप चलिए बनाया और मैं सबसे पहले वीडियो बनाती हूँ। खाना आया खत्म, उसके बाद अरे यार एक फोटो भी नहीं ली। मुझे लग रहा है मोटी हो गई से ना, मुझे क्या करना पड़ेगा। ये चीन ऐसे क्यों आ रही है, ये डबल क्या है, यहाँ नहीं है, इधर से आ रही है। अरे वैसे ही लग रहा है, रात है। सुबह सुबह कम होएंगे तो फ्रेश होंगे, जब पोटी जाएंगे ना तो कम हो जाएगा। मैं 200 ग्राम की निकालूंगी भाई। ये बर्तन वर्तन कौन मांजेगा, बच्चे लोग खाते हैं भाई। ये गलत बात है, शिक्षा इतने बर्तन वर्तन मैं मांजूंगी मैं। बर्तन पटूरा भी मैं ही बनाऊं, बर्तन भी मैं भैया देख लो इसको, हम वजन बढ़ा के जा रहे हैं, कम कर रहे हैं। चलो यार हमने बहुत इंजॉय करा, मैं ही बता रही हूँ हमने बहुत इंजॉय करा। नहीं हमने भी बहुत इंजॉय किया और हमने बातें बड़ी करी, स्पेशल वाली जो हम वीडियो में नहीं दिखाते। और चाची देखो जरा गेट ऑफ में जी, देखा आपने आज तो बहुत मस्ती हो गई। और ये मस्ती करने के बाद का ये वाला भी टाइम होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कल सेकंड सैटरडे है तो कल का तो ऑफ है, तो हमने खूब सारी बातें करी, खूब इंजॉय करा और उसके बाद करा काम। ये तो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अपनी किचन बिल्कुल भी गंदी करके सोती नहीं हूँ। मतलब ये है कि मेरे को अगर लगता है ना कि मेरा मन भी कर रहा हो ना, वैसे मेरा कभी मन नहीं करता मैं गंदी किचन करके सो जाऊँ। बर्तन भी मैं रात को ही वॉश करके ज़रूर सोती हूँ, एक भी बर्तन मेरी सिंक में कभी नहीं मिलेगा आपको कभी भी, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहले सारा क्लीन करा क्योंकि ये छोले भटूरे बनाओ ना तो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है। और पीयू के पापा मेरी बहुत हेल्प कराते हैं सच में। ड्राइंग रूम बहुत गंदा हो गया था, मैसी हो गया था, तो वही वो मेरे को पूछ रहे थे कि ये सामान में उन्होंने मतलब ऐसा है ना सामान वगैरह उठा के रख दें यही बड़ा होता है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल दी थी तो हमने ड्राइंग रूम भी क्लीन कर लिया था। तो अभी क्या है ना, मैं फिर पहले झाड़ू पीयू के पापा सामान हटा रहे थे फालतू का इधर उधर जो पड़ा रहता है वो हटा दिया था, फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, फिर मैंने इसीलिए आपको ये वाला दिखाया। सारे बर्तन वॉश कर दिए थे सारे ही, फिर पूरी किचन क्लीन कर दी थी, बोतलें वगैरह भर दी थी। और आज बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ना ज़रूर बताना, कंजूसी मत करना, लाइक एंड कॉमेंट भी ज़रूर करना और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे। इसके बाद शांति के दो फल जो मैं बैठी थी और आज मैं जो लेकर आई थी ना मार्केट से वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई हूँ, तो मैं कल की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।